अध्याय दो, भूमि संसाधन। हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका हम कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट आदि के लिए उपयोग करते हैं। भूमि किसकी है, उसका उपयोग उचित, न्यायसंगत और टिकाऊ कैसे हो, उसको हम हानि और हरास से कैसे बचाएं, इस पर गहरे चिंतन और समझ बनाने की जरूरत है। 2.1 भूमि उपयोग। किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। किसी भाग पर खेती की जाती है तो अन्य भाग पर शहर बसे हैं या कारखाने लगे हैं या फिर वनों से ढके हैं। किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता है और समय के साथ बदलता रहता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग पर ही भू उपयोग का सर्वेक्षण किया गया है। दी गई तालिका में हम भारत के कुल भूमि का उपयोग किस तरह किया जाता है और यह देश की स्वतंत्रता के बाद किस तरह बदला है यह देख सकते हैं। वन भूमि। इस भूमि में वनस्पतियों की प्रचुरता वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसे वन कहा जाता है। इस वन का उपयोग लकड़ी, कंदमूल, जंगली फल, औषधियाँ, पशुचारण इत्यादि में किया जाता है। भारत में विगत 60 वर्षों में वन भूमि 14% से बढ़कर 23% हो गया। वन भूमि में यह वृद्धि 1970-71 तक हुई, इसके बाद से वन भूमि लगभग स्थिर है। हमें याद रखना होगा कि वन भूमि से आशय है वह भूमि जिसका उपयोग वनों के रूप में होना है। यह जरूरी नहीं कि इस पूरी भूमि पर वन हो। उदाहरण के लिए 2010 में देश में केवल 19.05% जमीन वनों से ढकी थी, जबकि वन भूमि 23% थी। जिस भूमि पर वन नहीं है, सरकार के द्वारा वन रोपण कराया जाता है। वनों से हमें लकड़ी आदि तो मिलती है, मगर इनका महत्व इनके उत्पादन से कहीं अधिक है। वनों की एक विशेषता है कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर रहती है एवं ऑक्सीजन का नवीनीकरण होता है। ऑक्सीजन मानव तथा जंतुओं के श्वसन के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरता वायुमंडल के तापमान को स्थिर रखने में सहायक है। इस प्रकार वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही नहीं, वनों के होने से हमारे जल स्रोत बने रहते हैं।